यूपी के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। यूपी में कूल कूल हुआ है मौसम, आज भी इन जिलों में आंधी बारिश के हैं आसार। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव की वजह से जो है गर्मी से राहत लोगों को मिली है। यहाँ बारिश और तेज हवाओं के चलते मौसम खुशनुमा बना हुआ है। वही लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी से दोपहर के समय जो है तापमान में कमी आई है। वही प्रदेश के पूर्वोत्तर हिस्सों में जो है बीते दो दिनों से तेज हवाओं के साथ मध्यम से अच्छी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। वही कल जो है गोरखपुर महाराजगंज जिलों में जो है कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। वही मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मौसम विभाग के अनुसार जो है सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यूपी के कई जिलों में अगले दो तीन दिन तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। वह राजधानी लखनऊ में जो है कल सुबह बारिश जो है यहाँ पर सुबह की शुरुआत जो है हल्की बारिश से हुई। इस दौरान दिन में तापमान में गिरावट हुई। वहीं शाम को जो है वो ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना रहा। वह कल न्यूनतम तापमान जो है 36 डिग्री और यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो 23 और अधिकतम 36 के आसपास रिकॉर्ड किया गया। आज लखनऊ में अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम 23 के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज यूपी के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। आज देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती में भी बादल छाने के साथ आंधी चलने की संभावना है। वही श्रीवस्ती, सीतापुर और बहराइच, हरदोई, बलरामपुर में भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं। तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक यूपी में जो है कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार जताए गए। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो तेज हवाएं चलने की संभावना है। वही 11 तारीख को भी जो है यूपी में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही 10 से यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति यहाँ पर कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर तो कुछ इलाकों में यहाँ पर 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वही 12 तारीख को भी मौसम ऐसा रहेगा। इस दौरान जो है दूबी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार जताए गए हैं। तो यूपी में जो है मौसम का यू टर्न शुरू हो चुका है और अब गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। बारिश के बाद जो है लोगों को राहत मिल रही है और तापमान में जो है फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। यानी ज्यादातर इलाकों में जो है तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। आगामी दिनों में यूपी के ज्यादातर लोग इलाकों में लोगों को जो है गर्मी से राहत मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि रोजाना ऐसी खबरें जो है आपको मिलती रहे।